नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक पॉली हाउस में किस प्रकार से टमाटर की बेहद ही शानदार खेती की गई है। एक बांस के सहारे फसलों को लगाया गया है। एक लंबी कतार में आप टमाटर ही टमाटर देखेंगे, लाल और हरे, जो अभी पक रहे हैं, जो पूरी तरह से पक चुके हैं। ठीक उसी प्रकार बगल वाले अपोजिट डायरेक्शन में हम ये देखेंगे कि शिमला मिर्च को लगाया गया है। ये पॉली हाउस में की जाने वाली खेती है। साधारणतः किसानों के दिमाग में ये बात रहती है कि भाई पॉली हाउस में खेती करना, पॉली हाउस में फसलों को लगाना बहुत महंगा सौदा होता है, ये हमारे बजट की बात नहीं है। लेकिन बता दें, वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि पॉली हाउस जो है ना, दरअसल वो छोटे किसानों के लिए ही होता है। किस प्रकार से हम पॉली हाउस को बना सकते हैं, कितना खर्च इसमें आएगा, किन किन फसलों की खेती हम इसमें कर सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या सब्सिडी है, पूरी जानकारी हम लेते हैं। इसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक, जो कि मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले माधोपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक प्रताप से, साथ ही साथ धीरू तिवारी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप इस पॉली हाउस पर विशेष करके? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉली हाउस जो हमारा जो छोटे और जो मझोले किसान है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है। कम जगह में पॉली हाउस बना करके आवश्यकता अनुसार 200 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस बनता है, 400 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस बनता है। बना करके जो है बाहर की तुलना में इसमें हम जो भी हमारी फसलें हैं उच्च मूल्य वाली, जैसे मान लिया टमाटर लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, आप बीज रहित खीरा जिसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर बोलते हैं उसको लगा सकते हैं। इस तरह से इसको लगा कर किसान सालों भर अपनी आमदनी को कर सकते हैं। और इसमें जो रही बात अगर सरकार की बात करें सब्सिडी का, तो इसमें 50% सर्वे यानी 50% जो है लागत मूल्य का सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है, और उसके लिए वो अपने जो जिला के जो सहायक निदेशक उद्यान होते हैं वहाँ पे उनको जाकर के संपर्क करना पड़ता है और वहाँ पे आवेदन देना पड़ेगा और वहाँ से उनको पॉली हाउस मिल जाएगा। और उसके पॉली हाउस में खेती कैसे करें उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र आपको जो है यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक हार्टिकल्चर के हैं बगल में हैं, ये आपको जो है किस प्रकार से शिमला मिर्च का कौन सा वैरायटी लगाना है, किस समय लगाना है, कैसे जो है उसमें प्रबंधन करना है, उसके बारे में सारी तकनीकी जानकारी देंगे। और यहाँ पे इसके पहले भी कुछ किसानों को तकनीकी जानकारी से अवगत कराते हुए वो किसान जो है खुद पॉली हाउस की खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं, और इसमें वो आवश्यकता अनुसार जो है मौसम से हट करके बेमौसम में सब्जी की खेती कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हम बिना मौसम के भी फसलों को उपजा सकते हैं, जैसे खरीफ और रवि की जब हम बात करते हैं तो एक प्रॉपर सीजन में ही वो उपज पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अनसीजनली भी फसलों की खेती कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हमारा जो बाहर का शिमला मिर्च है जो खुले खेत में लगा हुआ शिमला मिर्च खत्म हो गया, लेकिन हमारा पॉली हाउस में आप देख रहे होंगे अप्रैल के महीने में इस तरह का शिमला मिर्च है, और अभी यह शिमला मिर्च हमारा मई लास्ट तक यानी जून फर्स्ट वीक तक चलेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो भी हम पौधा लगाते हैं बाहर की तुलना में पौधे का जो है समय काफ़ी इसमें बढ़ जाता है, और जब समय बढ़ता है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से और प्रति पौधा से भी काफ़ी आमदनी होता है। हाँ, इसमें मुख्य रूप से जो हमारा जो सब्जी की खेती में जो वायरस का अटैक होता है वो हमारा जो है मक्खी से होता है। ठीक है, ये तो जो व्हाइट फ्लाई जो मक्खी होती है, सफेद मक्खी होती है, और ये चारों तरफ बंद रहने की वजह से किसी प्रकार से मक्खी का आवागमन न होने के कारण वायरस का भी प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि सब्जियों में अधिकतर शिमला मिर्च में टमाटर में वायरस का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, इससे भी ये काफी हद तक सुरक्षित है। और इसमें कीट व्याधि का प्रकोप सामान्य फसल की तुलना में बहुत ही कम के मात्रा में लगता है, इससे किसान का लागत भी इसमें जो है कमी होता है और इनको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाता है। पॉली हाउस में अगर हम खेती करें तो मोटे तौर पर यह जान लीजिए, अगर 1 रुपया अगर हम खर्च करते हैं 3 रुपया से लेकर के 4 रुपया तक हमको प्रॉफिट मिल जाता है। अगर वही हम खुले खेत में खेती करते हैं टमाटर का चाहे शिमला मिर्च का, तो 1 रुपया खर्च करके 2 रुपया से लेकर के 2.5 रुपया तक हम कमा सकते हैं, लेकिन वही पॉली हाउस में रहेगा तो उसका 3 रुपया से लेकर 4 रुपया तक हम कमा सकते हैं। किसी प्रकार के किसी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है क्या पॉली हाउस में खेती के लिए? कोई असफलता के ऐसे चांसेस वगैरह इसमें भी होते हैं क्या? जी बिल्कुल, हो सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश किसी कीट का अगर इसमें प्रकोप हो गया तो इसमें कंट्रोल करना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें इसी के दायरे में वो लोग रह पाते हैं, या फिर कोई अगर रोग लग गया या फिर किसी फसल को लगातार अगर इसी में लगाते जा रहे हैं तो जड़ संबंधित या मिट्टी संबंधित कुछ रोग का प्रकोप हो सकता है। लेकिन चूंकि ये कंट्रोल कंडीशन है इसीलिए सारा कुछ आप इसको इसमें मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि किन बातों का ध्यान देना होगा अगर आप पॉली हाउस में खेती की शुरुआत करते हैं, तो किन बातों का आपको मुख्य रूप से ध्यान देना होगा?
देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस क्योंकि आप शुरुआत में इसमें आपका खर्चा ज्यादा लगता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उत्तम किस्म का बीज होना चाहिए, वैरायटी अच्छी हो ताकि आपको नुकसान के कम चांसेस रहें। ये कंप्लीट हम लोग जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो इसमें हम लोग को फॉलो करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से जो हमारा यील्ड तो बढ़ता ही है, साथ में इसमें क्वालिटी क्वालिटी अगर ये टमाटर है या हमारा शिमला मिर्च है तो ये जो बाहर हम लोग लगाते हैं ओपन कंडीशन में उसकी तुलना में इसकी सेल्फ लाइफ का मतलब कि उसकी स्टोरेज की क्षमता ड्यूरेशन वो ज्यादा दिनों तक चलता है, टिकाऊ होता है, तो ये भी हमको फायदा होता है। दूसरा एक किसानों के लिए हमारा ये भी मैसेज रहेगा कि कुछ सारे किसान सक्षम नहीं होते हैं कि वो 50% भी सब्सिडी पे भी लगा सके, क्योंकि 50% तो उस किसानों के लिए क्या है कि वो लो कास्ट पॉलीहाउस खुद से भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो इसकी क्या प्रक्रिया है सर? प्रक्रिया क्या है कि जैसे इसमें लोहे के एंगल या ये सब स्ट्रक्चर बने हुए हैं तो उसकी जगह पे हमारे आसपास बांस है, बांस के सहारे स्ट्रक्चर खड़ा कर ले और ये जो पॉलीथीन सीट है हम इसका प्रयोग करते हुए और बहुत कम कीमत में खुद का एक पॉलीहाउस तैयार कर सकते हैं, वो भी उतना ही कारगर होगा। चलिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोहे के फ्रेम पे या फिर लोहे के एंगल पे पॉली हाउस का निर्माण करें, आप बांस की पट्टियों से भी आप पॉली हाउस को बना सकते हैं जिसमें आपका जो खर्च है वो कई गुना घट जाता है, यानी कि एक छोटे दर्जे के किसान भी पॉली हाउस बना सकते हैं बहुत कम लागत में। उससे जब मुनाफा उनको होने लगता है फिर वो आगे चल के और मजबूत पॉली हाउस का निर्माण कर सकते हैं, सरकार की सब्सिडी भी इस पे आपको मिल रही है। तो पूरी जानकारी हमने आपको दी, उम्मीद यही है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप भी इसका फायदा जरूर उठाएंगे। पश्चिम चंपारण से लोकल 18 के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।